शुरू करें। नमस्कार साथियों, आम आदमी पार्टी का परिवार हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर लोग जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपना रहे हैं। भ्रष्टाचार प्रथा वाली सरकारों को मुंह मोड़ के ईमानदार सरकार की तरफ जाने का रुख अपना रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से लोगों का मन परिवर्तित हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो आज चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर आए, हरियाणा भी दिल्ली की तरह विकसित हो, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह स्कूल और कॉलेज बने, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल बने, हरियाणा के अंदर भी महिलाओं की सुरक्षा और किसान का सम्मान हो। आज इस क्रम में अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल से प्रभावित हो के, गुड गवर्नेंस के मॉडल से प्रभावित हो के, श्री निर्मल सिंह जी आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ने आपको ज्वाइन कराया है। निर्मल सिंह एक फायर ब्रांड लीडर के रूप के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जाने जाते हैं। 45 साल से आप कांग्रेस में रहे हैं, 7 साल तक आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 4 बार एमएलए रहे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से और लोकसभा कंटेस्ट किया कुरुक्षेत्र से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से शुरू करके यूथ प्रेसिडेंट हरियाणा बने और प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस हरियाणा फॉर 7 स्टेट ईयर्स। अनचैलेंज्ड नर्सरी के रूप में इन्होंने वहां पे बहुत काम किया और इनके अंडर के 16 ऑफिस बेयरर्स एमएलए बने। बहुत सी बड़ी बड़ी रैलियां इन्होंने ऑर्गेनाइज करी। 2019 के अंदर इन्होंने और इनकी सुपुत्री चित्रा सरवारा ने दोनों ने आजाद दिल्ली अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी से आजाद उम्मीदवार के रूप के अंदर चुनाव लड़ा। इनको 56,000 वोट मिली और कांग्रेस को 8,000 वोट मिली। आजाद उम्मीदवार के रूप में 56,000, कांग्रेस को 8,000 और 19,000 वोटों से ये रह गए थे। इसी प्रकार इनकी सुपुत्री को भी 44,000 वोट मिली। बहुत मेहनत इन्होंने उस क्षेत्र के अंदर की, परंतु आज अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से खुश होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी से ज्वाइन करके आए हैं आज पुनः